नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मैजिक तड़का विद रीना में। और आज की हमारी रेसिपी है चटपटी वेज चाउमीन। हाँ जी, हम सब के फेवरेट वेज चाउमीन। तो इसी तरह की खिली खिली वेज करारी चटपटी चाउमीन बनाने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखिए। पर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। अपनी रेसिपी को ये देखिए, कितनी खिली खिली और एकदम लंबी लंबी मेरी चाउमीन बनके तैयार है, ना टूटी है और ना ही ये चिपकी है। तो अपनी चाउमीन को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पे प्लेन नूडल लिए हैं 200 ग्राम के आसपास। आपको भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो नूडल, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और मैंने एक बड़े बर्तन में 1.5 लीटर पानी लिया है और उसमें 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल को ऐड किया है। आपको भी इसी तरह से ऐड कर लेना है और इसको उबलने देना है। देखिए फ्रेंड, पानी अच्छे से उबल गया है तो इसमें हम अपने नूडल्स को ऐड करेंगे। तो मैं इसमें अपने अब नूडल्स डालूंगी। फ्रेंड, हम नूडल्स को हमने कोई दबाना नहीं है ना इसको छेड़ना है, बस ये अपने आप ही उबलते उबलते इसमें एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये अपने आप अंदर जाने लग गया है। बस हल्के हाथ से इसको हम अंदर कर देंगे ताकि ये टूटे ना, और इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से उबलने देंगे। फ्रेंड, मेरे नूडल्स को 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से ये ज़्यादा एकदम फुल कुक भी नहीं है और अलग अलग हैं, अभी एक दूसरे से चिपके भी नहीं हैं ऑयल की वजह से। तो देखिए इस तरह से मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगी कि ये इजीली टूट जाने चाहिए और बहुत आसानी से भी नहीं, थोड़ा दबाने के बाद ही ये टूटेंगे। इस तरह से ये होने चाहिए और तुरंत ही इनको ड्रेन करके इनको अच्छे से ठंडे पानी से हमें धो लेना है। बिल्कुल भी इन्हें गर्म पानी में नहीं छोड़ना है, बिल्कुल तुरंत ही इनको ठंडे पानी से धोकर किसी जाली में थाली के ऊपर रख दें ताकि अच्छे से इसका जो पानी है वो निकल जाए। ये देखिए इसी तरह से ये एकदम अलग अलग हैं अभी। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच अपना ऑयल। अब फ्रेंड, हम ऑयल को अपने नूडल्स में अच्छे से लगा लेंगे ताकि सारे और नूडल्स में ऑयल जो है वो अच्छे से लग जाना चाहिए। और फिर उसको आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए हम उसको ठंडा होने के लिए एक खुली जगह पर खुले बर्तन पर रख देंगे। आप चाहे तो उसको पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। रेस्टोरेंट होटल वाले भी सेम ट्रिक अपनाते हैं, वो जो नूडल्स को सुबह ही उबाल कर उनको पूरे दिन यूज़ करते हैं, इसीलिए जो उनकी चाउमीन एकदम खिली खिली बनती है। तो हम भी सेम ट्रिक करेंगे, नूडल्स को ठंडा करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम चाउमीन को अपनी फ्राई करेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ एक प्याज लिया है, उसको बारीकी से अच्छे से काट लिया है। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पत्ता गोभी ली है, उसको भी बिल्कुल बारीक काट लिया है। और एक मैंने गाजर लिया है, इसको भी पतला पतला काट दिया है। और एक शिमला मिर्च ली है, उसको भी पतला पतला काट दिया है। और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच अदरक लहसुन ग्रेट करके लिया हुआ है, कद्दूकस में किया हुआ है, उसको पेस्ट नहीं बनाया है। और 1 चम्मच मैंने सेजवान चटनी ली है। आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैंने यहाँ 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च और 1/4 चम्मच काली मिर्च ली है इसमें डालने के लिए। 2 चम्मच विनेगर, वाइट विनेगर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ डार्क सोया सॉस का लिया है। मैंने ग्रीन चटनी का पेस्ट लिया है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। 2 चम्मच टमाटो केचप का लिया है। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे चाउमीन को आधा घंटा हो चुका है। ये देखिए कितनी खिली खिली ये हो गई है और थोड़ी पतली भी हो गई, क्योंकि जो उसका स्टार्च है वो थोड़ा सूख गया है, तो जिससे ये थोड़ी श्रिंक हो जाती है और ये एकदम खिली खिली बनती है, एक दूसरे से चिपकती नहीं है। ये देखिए इस तरह से भी हमें अपने चाउमीन को ठंडा ज़रूर कर लेना है। मैं फिर से ये बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक पैन में हम 2 चम्मच तेल को गर्म करेंगे, देखिए तेज़ गर्म होना चाहिए। और इसमें हम डालेंगे अपना अदरक लहसुन कटा हुआ जो मैंने था, उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे देखिए। और इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम करेंगे, क्योंकि ब्राउन होने के बाद इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा अच्छा आता है। अब हमारे अदरक लहसुन जो है वो थोड़े से ब्राउन हो गए हैं तो इसमें ऐड करेंगे हम अपने प्याज और इनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इनको भी हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करते हैं हम चाइनीज़ फूड को। एक तो हम हाई फ्लेम में बनाते हैं और इनको ज़्यादा हम अपनी वेजेस को कुक नहीं करते हैं, उनको थोड़ा रॉ ही रहने देते हैं उसमें क्रंचीनेस के लिए। तो इसी तरह से देखिए ये भी हल्के से ब्राउन हो गए हैं, तो इसमें अब अपने कैरेट और कैप्सिकम को मैं ऐड कर दूँगी। अब अपने वेजिटेबल को भी मैं हाई फ्लेम पर अच्छे से सॉटे करूँगी, इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। ये देखिए इस तरह से हमें इनको अच्छे से फ्राई करते हुए जाना है, क्योंकि हमें इसको हाई फ्लेम पे एकदम क्रंचीनेस के साथ इनको करारा कर देना है, तभी तो इसका चाइनीज़ फ्लेवर का
टेस्ट आएगा और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है क्योंकि मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड किया हुआ है। फ्रेंड्स इसमें हम अपने कैबेज यानी पत्ता गोभी को भी ऐड करके इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्रेंड जब तक मेरी वेजेस जो हैं वो फ्राई हो रही हैं तब तक आप क्या कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। फ्रेंड ये देखिए फ्राई करते करते जो हमारी वेजेस हैं वो अपने साइज से हाफ हो गई हैं, जितनी पहले डाली थी उससे हाफ हो गई हैं। तो इसमें अब हम ऐड कर देंगे अपने मसाले, नमक और काली मिर्ची और लाल मिर्ची जो हमने पहले बताई थी उसमें ऐड करके इसको भी अच्छे से सॉटे करेंगे। ये देखिए इस तरह से अब हम इसमें अपनी सेजवान चटनी जो है वो ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से सॉटे करेंगे हाई फ्लेम में। सब कुछ हमें हाई फ्लेम पे ही सॉटे करना है कि चाइनीज़ जो फूड है वो हाई फ्लेम पे ही कुक होता है। ये देखिए इस तरह से कितना अच्छा इसका कलर आने लग गया है। देखिए अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना डार्क सोया सॉस, ये देखिए, और ऐड करेंगे अपना ग्रीन चिली सॉस, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए ग्रीन चिली सॉस को भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे से सारा का सारा हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम अपना टमाटो केचप डालने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना विनेगर। देखिए मैंने विनेगर को भी यहाँ पे डाल दिया है और इसको कर देंगे हम अच्छे से टॉस। ये अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से टॉस करते हुए हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आने लग गया है, बिल्कुल चाइनीज़ वाला आ रहा है ना मज़ा देखने में, ऐसे मुझे बनाने में भी आ रहा है और खुशबू में भी बहुत मज़ा आ रहा है। फ्रेंड देखिए हमारी वेजीज और सॉस अपने साइज से हाफ हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने नूडल्स। ये देखिए मेरे नूडल्स कितने खिले खिले, बिल्कुल अलग और बिल्कुल लॉन्ग है। इसी तरह से आपके बनेंगे अगर आप इस मेथड को यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताया है। अब हमने सारे नूडल्स में डाल लिए हैं और अपने नूडल्स को कर देंगे टॉस, वो भी हाई फ्लेम पे, बिल्कुल करते जाना है इसको हिला हिला के टॉस। फ्रेंड बस यहीं पे अब सारी मेहनत है, हमें अपने चाउमीन को हाई फ्लेम पे बिल्कुल अच्छे से मेहनत कर करके इसको फ्राई करना है। इसको टॉस कीजिए, अपनी करछी से इसको बार बार हिलाइए, एक फॉक की मदद से भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं क्योंकि जो सॉस है वो अच्छे से इसमें मिलना चाहिए। इसीलिए मैं सारे जो सॉसेज हैं उनको पहले वेजिस के साथ फ्राई करती हूँ, बाद में नूडल्स डालती हूँ ताकि जो फ्लेवर है वो सारे चाउमीन में आए, अलग अलग नहीं। नहीं तो अगर आप बाद में सॉस डालोगे ना तो कहीं से तो आपके चाउमीन वाइट रहेगी, कहीं से आपके ब्राउन रहेगी और जो फ्लेवर है वो सारे चाउमीन में नहीं आ पाएगा। तो इसी तरह से टॉस करते हुए फॉक की मदद से, अपनी करछी की मदद से इसको हिला हिला के देखिए कितनी अलग अलग जो है वो मेरी चाउमीन लग रही है। ये देखिए बिल्कुल मार्केट की तरह जो है मैं इसको बना रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी डिलीशियस लग रही है और एकदम लॉन्ग लॉन्ग है, कहीं से टूटी भी नहीं है और चिपकी भी नहीं है। बस इसी तरह से आपको अपनी चाउमीन को जो है बना के तैयार करना है। और सच मानिए फ्रेंड अगर मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो आपकी बहुत ही टेस्टी और यमी जो चाउमीन है वो बनके तैयार होगी। जी फ्रेंड तैयार है मेरी चाउमीन, खाने में बहुत ही डिलीशियस है, बिल्कुल अलग अलग है, सारे परिवार जो है इसको इंजॉय करेगा। और अगर आपको इसको रख के भी बनाना है तो आप अपने नूडल्स को पहले ठंडा करके आप इसको पूरे दिन में भी यूज़ कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।